वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उस्मान बुज़ार की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। पंजाब में वज़ीर-ए-आला और अरकान की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म शदीद नाराज। इमरान खान का नाराजगी के बावजूद उस्मान बुज़ार को एक और मौका देने का फैसला। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद दुनिया टीवी खावर घुमन से। खावर, आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला पंजाब से और नाराजगी का इजहार भी किया और एक मौका और देने की बात भी हुई है। जी, ये कल मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़ार और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दरमियान। इशू वही था कि जो हमने देखा कि पंजाब के अंदर अराकीन की तनख्वाह बढ़ा दी गई, उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब ने अपने लिए ताहियात लाहौर के अंदर एक घर फर्निश्ड घर और साथ में बाकी जो लवाजमात थे उस हवाले से एक कानून सामने आया, तो प्राइम मिनिस्टर काफी सख्त नाला थे, उन्होंने ट्वीट भी किया। तो उसी के बैकग्राउंड में कल मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ। मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़ार को ये कहा है कि अब ये आपके पास आखिरी मौका है, पिछले छह महीने को भूल जाएं, अब लोग हमारी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम नए हैं और अभी सीख रहे हैं, अब हमें नतीजे देने हैं। उस पर कुछ उस्मान बुज़ार साहब को रिजर्वेशन थी पार्टी के हवाले से, पार्टी के कुछ जोमा के हवाले से, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने जवाब में ये कहा है कि आप कुली तौर पर बाख्तियार हैं, आप फागी काबीना के अंदर सूबाई काबीना के अंदर अगर आप कोई तब्दीलियां करना चाहते हैं, किसी वजीर को अगर आपने हटाना है, किसी की मिनिस्ट्री रीशफल करनी है आपने, और आपने पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एहतसाब करना है, तो आप पूरी तरह बाख्तियार हैं और ये सारे काम करें, मुझे नतीजे चाहिए, क्योंकि छह महीने से ज्यादा अरसा हो गया, अब लोग हमसे सवालात कर रहे हैं, हमसे हमारी कारकर्दगी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अब देखना यही है कि आने वाले दिनों के अंदर उस्मान बुज़ार साहब किस तरह एक्ट करते हैं। मेरी इतला के मुताबिक एक लास्ट वार्निंग उस्मान बुज़ार साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो कि पार्टी के चेयरमैन भी हैं, दे दी गई है, और अब देखना यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकाम को जो सामने रखते हुए किस तरह की तब्दीली पंजाब के अंदर लाते हैं। एक खबर ये भी है कि पंजाब पुलिस के कुछ 20 के करीब अफसरान जिनके खिलाफ डिफरेंट किस्म के केसेस चल रहे हैं करप्शन के हवाले से, उनको भी फारग करने का एक फैसला किया गया है, वो भी अप्रूवल ली है उस्मान बुज़ार ने प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो पंजाब के अंदर काफी हलचल होगी आने वाले दिनों के अंदर लाहौर में। अब वक्त बताएगा कि उस्मान बुज़ार अब कितने एक्टिवली अपनी जॉब के हवाले से काम करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खावर घुमन, तफसीलात से आगाह किया आपने।